हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो आज का मेरा वीडियो है मेबेलिन फिटमी कॉम्पैक्ट के ऊपर, जो कुछ टाइम पहले ही नया वर्जन उसका आया था। तो मैंने दो शेड्स ऑनलाइन मंगाए थे। तो मैंने फर्स्ट शेड जो मंगाया था वो था वार्म न्यूड, जो कि मुझे कॉम्पैक्ट टूटा हुआ निकला और ये शेड मेरे स्किन पर डार्कर निकला। तो उसके बाद मैंने मंगाया नेचुरल आइवरी। ये दोनों शेड्स मैंने अमेजोन से मंगाए थे और ये दोनों मुझे शिपिंग मिला के 209 के पड़े, ठीक है। एक तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 199 फॉर 8 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जल्दी से देख लेते हैं व्हाट दिस प्रोडक्ट क्लेम्स। सो दिस प्रोडक्ट क्लेम्स अप टू 12 आवर्स ऑल कंट्रोल पाउडर दैट फिट्स योर स्किन टोन एंड टेक्सचर। इट आल्सो सेज इट इज स्किन फिटिंग पिगमेंट्स ब्लेंड इन विद नेचुरल स्किन टोन, सन प्रोटेक्शन SPF 28। तो ये अच्छी बात है कि इसके अंदर सन प्रोटेक्शन है, बट आई डोंट नो कि सेंसिटिव स्किन वालों को सूट करने वाला है कि नहीं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को हमेशा सन प्रोटेक्शन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होता है, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। लेट्स सी वेदर दिस स्टैंड्स अप टू व्हाट इट क्लेम्स और नॉट। सो ये कुछ इस टाइप की सिंपल सी पैकेजिंग में आता है, देख सकते हो। इसका मिरर है और मिरर भी थोड़ी बहुत ठीक क्वालिटी का है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और ये वाली स्पंज के साथ आता है, जो वाइट कलर का रेगुलर स्पंज होता है जो सारे कॉम्पैक्ट्स में आता है। और ये कुछ खास नहीं है, आपको अलग से स्पंज लेके इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पंज गुड फॉर नथिंग होते हैं। तो ये इस तरीके से इस पैन में आता है, इतने छोटे से पैन में। और ये शेड है नेचुरल आइवरी। मैं अभी आपको वार्म न्यूड शेड भी दिखाऊंगी। मैं अपने इस वाली साइड पर लगाऊंगी वार्म न्यूड और ये वाली साइड पर मैं लगाऊंगी नेचुरल आइवरी। तो आप देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं नेचुरल आइवरी लगाना स्टार्ट करती हूँ। इसके साथ जैसे कि मैंने बताया ये स्पंज मिला था, तो इसको आपको ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद प्रोडक्ट आ जाएगा और अपनी स्किन पे भी आपको ऐसे प्रेस करना है इसको। यू डोंट हैव टू ड्रैग द प्रोडक्ट, आपको ऐसे प्रेस करके अपने स्किन पे इसको लगाना है। तो अभी आप देख सकते हो ये वाले साइड और ये वाले साइड में मेरे कितने डिफरेंस आ गया है। ये पूरा फुल कवरेज तो नहीं है, पर ये मीडियम कवरेज है। इसने मेरे सारे ब्लैक और रेड स्पॉट्स तो नहीं कवर किए, बट आप कह सकते हो 70%। तो ये वाली साइड आपको बिल्कुल मैट लग रही होगी और ये वाली साइड आपको थोड़ी शाइनी लग रही होगी। और अगर आपको ये थोड़ा सा मेरे चेहरे पर लाइट लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये तो अभी थोड़ा सा और ऑक्सीडाइज होगा, तो ये मेरी स्किन टोन पे परफेक्टली बैठ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे वार्म न्यूड लगाती हूँ। तो ये है वार्म न्यूड, जैसा कि आप देख सकते हो ये मुझे टूटा हुआ मिला था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है वार्म न्यूड और ये है नेचुरल आइवरी। तो मुझे इतना ज़्यादा कोई ड्रास्टिक शेड का डिफरेंस नहीं लग रहा है, दोनों ही मेरे स्किन पे ज़्यादा अच्छे से बैठ जाता है। पर इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि अगर आप थोड़ा सा अपने बिल्कुल ही अपने स्किन के हिसाब से शेड लेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा 15-20 मिनट में और वो शेड आपको डार्कर लग सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने शेड से एक दो शेड ज़्यादा लाइट लें। तो इसलिए मैंने शेड नेचुरल आइवरी लिया था, जो कि मेरी स्किन पे 15 से 20 मिनट्स बाद अच्छे से बिल्कुल शेड मेरे स्किन से मिक्स हो जाता है। पता नहीं ये मेबेलिन के कॉम्पैक्ट्स में क्या है कि इसके सारे जितने भी कॉम्पैक्ट्स हैं ये सारे मेबेलिन का जो फिटमी फाउंडेशन है उसके शेड से डार्कर हैं। जैसे मैं फिटमी फाउंडेशन में वार्म न्यूड शेड यूज़ करती हूँ, तो अगर मैंने यही सोच के मंगाया था कि वार्म न्यूड मेरे स्किन से मैच करेगा, बट नहीं, कॉम्पैक्ट में वो वाला वार्म जो शेड था वो मेरे स्किन से डार्क निकला। और पता नहीं
कैसा कॉम्पोजिशन इन लोगों ने किया है मेबलिन वालों ने, वो जाने मुझे नहीं पता, बट वो जो फिट जो मुझे फाउंडेशन में सूट कर रहा था शेड, वो मुझे कॉम्पैक्ट में डार्क लगा। तो अगर आप जैसे फिट मी फाउंडेशन का अगर आप वॉर्म न्यूड यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसी का कॉम्पैक्ट मंगाएंगे सेम शेड का, तो वो आपको डार्क लगेगा। इसलिए आपको वन शेड लाइटर मंगाना है, वो वैसे भी आपकी स्किन पे आपकी स्किन टोन से मैच कर जाएगा अच्छे। तो अगर ये पाउडर बोल रहा है कि 12 आवर्स पॉल कंट्रोल प्रोटेक्शन देता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा ये पाउडर। मैक्स टू मैक्स 5 to 4 hours आपका फेस जो है मैट रहेगा। अगर आप ह्यूमिडिटी वाली वेदर में रहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उतना भी रहने वाला है। मेरे यहाँ तो बहुत गर्मी होती है, तो मेरा फेस तुरंत ऑयली हो जाता है 3-4 hours में ही। तो ये मुश्किल से आपका 3 to 4 hours ही आपका फिर जो है मैट रखेगा। उसके बाद आपको फिर से री टचअप करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो जो लोग शेयर कवरेज पसंद करते हैं, वो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो, तो आप इसको खाली इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको बीबी क्रीम के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, फिर तो बहुत अच्छा है, इसका कवरेज आएगा। या फिर आप फाउंडेशन के ऊपर भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप इसको खाली यूज़ करोगे, तो ये आपके डार्क स्पॉट्स और जो भी स्पॉट्स है वो इस पिगमेंटेशन है, वो इसको कवर नहीं करेगा, क्योंकि इसकी शेयर कवरेज है। अगर आप इसको बिल्ड भी करोगे, तो भी ये नहीं करेगा। तो ये चीज़ सोच के इसको यूज़ करना। सो गाइस, दैट वाज इट। अगर आपको ये प्रोडक्ट मंगाना है, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से आप इसको डेफिनेटली मंगा सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको मेबलिन के स्टोर से जाके लो, अगर आपका कोई भी ऑथेंटिक अच्छा सा स्टोर है मेकअप का, वहाँ से जाकर लो, क्योंकि इसकी फर्स्ट कॉपीज भी बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलती हैं। और प्लस आप अगर इसको बाहर लोगे, तो ये 199 का आपको पड़ेगा, या उससे कम भी पड़ सकता है अगर कोई ऑफर चल रहा हो तो। बट अगर आप ऑनलाइन लोगे, तो उसमें आपको शिपिंग चार्जेस देके वो ज़्यादा ही हो जाता है। सो आई प्रेफर कि आप बाहर से लो। मैं तो ये, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़रूर बताना कि आप अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो। तो ये, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चंदन की प्लानिंग से, बाय।